क्लास 7 टुडे वी स्टार्ट लेसन 4 बुक एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एडमायर एडमायर टू रिस्पेक्ट अदर बार्गेन मतलब अ डील अ सौदा बैग टू आस्क इन एन एंशियस वे इज इन गेट ठीक है बीक मांगना नाउ नेक्स्ट है कास्ट डाउट मतलब शो सस्पेंशन शक दिखाना डस्ट वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ सैंड टूलकन ग्रेन कॉर्न दाने हायर रेंट किराए पे कोई चीज़ हायर करनी वो हायर मतलब सॉरी हायर मतलब किराया किराया जैसे हम कोई चीज़ किराए पे लेते हैं तो उसको क्या करते हैं हायर करना इंटरेस्टिंग चार्मिंग रोचक मर्चेंट ट्रेडर व्यापारी नेबरिंग नियर बाय पास जैसे अपने घर के पास रहते हैं ना उनको बोलते हैं नेबरिंग रीप कट अ क्रॉप फसल काटना सैडल लेदर सीट मतलब काठी है ना जैसे घोड़े के ऊपर काठी रखते हैं ना लेदर सीट होती है उसको काठी बोलते हैं सॉर्ट वाउंड घाव स्प्राउट जैसे छोटे प्लांट सुखाते हैं ना जैसे कि चने के हम घर पे चने भिगो के रख देते हैं तो उस पर क्या होता है स्प्राउट्स आ जाते हैं छोटी पत्तियाँ आ जाती हैं टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स या तो हम बोल सकते हैं जर्मिनेट नई पत्तियाँ उगना स्टार्विंग मतलब सफरिंग फ्रॉम हंगर भूखे मरना नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिड द मर्चेंट कास्ट अ डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी कहते क्या जो मर्चेंट था व्यापारी था उसको फार्मर की स्टोरी पे कुछ शक हुआ नो द मर्चेंट डिड नॉट कास्ट ए डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी एट ऑल क्या मर्चेंट को फार्मर की स्टोरी पे कोई भी शक नहीं हुआ हाउ डिड द फार्मर मेक द मर्चेंट पे हिम अप कहते जो फार्मर ने मर्चेंट से पैसे कैसे बनवा मतलब उससे कैसे पैसे बनाए ठीक है मतलब उसने पैसे उसे कैसे कमाए या कहते कैसे भुगतान करवाया उसे पैसों का ठीक है द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम अप बाय नरेटिंग ए फॉल्स स्टोरी तो क्या करा फार्मर ने मर्चेंट को कैसे पैसे बनाए उसने एक झूठी स्टोरी सुनाई नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या है Why did the merchant not object to the farmer charge about his father? कहते जो merchant था उसको जो farmer ने जो charge लिए थे कहते तुम्हारे पिता ने मेरे पापा के इतने मतलब father के इतने charge देने थे उस पर उसने objection क्यों नहीं करा क्यों नहीं मतलब उसने step उठाया कि हाँ ऐसा तो होगा नहीं क्यों The merchant would have to pay the farmer ₹100 if he cast a doubt on his story by paying the price of wheat he still saved some money क्या कह रहे हैं कि मर्चेंट ने मतलब अगर मर्चेंट को मतलब उस पर शक होता जब अपना डाउट दिखाता तो उसको कितने देने पड़ते ₹100 देने पड़ते अब उसने शक नहीं दिखाया तो क्या करा उसको अगर वो शक दिखाता तो उसको ₹100 देने पड़ते अगर उसने शक नहीं दिखाया कि अगर मैं उसको दे दूंगा उसको कितने रुपये देने पड़ने थे 75 देने पड़ने थे तो उसने कम से कम अपने ₹25 तो बचा लिए इसलिए उसने ऑब्जेक्ट नहीं करा कि कम से कम अगर मैं मतलब उस पर शक नहीं करूँगा तो मेरे को ₹75 देने पड़ेंगे अगर मैंने शक जताया तो ₹100 देने पड़ेंगे इसे उसने ना शक दिखा के उसको ₹75 दे दिए और ₹25 अपने बचा लिए Why was he silent during the farmer story? जो व्यापारी था वो क्या था किसान की स्टोरी के टाइम वो साइलेंट क्यों रहा क्यों चुप रहा बिकॉज इफ ही रेज्ड ऑब्जेक्शन वही बात अगर वो ऑब्जेक्शन दिखाता ही वुड अंडरगो ए लॉस ऑफ मनी तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते अगर नहीं ऑब्जेक्शन करा तो उसको कम देने पड़े देने तो पड़ने ही थे दोनों तरफ से वाई डिड द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर जो व्यापारी था उसको मतलब फार्मर को पैसे देने के लिए उसने फैसला क्यों करा बिकॉज द प्राइज ऑफ वीट वॉज लेसर देन द प्राइज ऑफ रेजिंग द डाउट क्या कह रहे हैं कि जो गेहूं का प्राइस क्या था वो कम था किससे अगर वो डाउट दिखाता डाउट वाले के ₹100 नहीं दिखाता तो 75 गेहूँ के देने पड़ने थे इसलिए उसने ये फैसला करा कि उसको पैसे दे देता हूँ ₹75 हाउ मच मनी डिड ही पे टू द फार्मर कि तो उसको कितने रुपए देने पड़े
फार्मर को गेहूं के 75 मिल रहे थे, मतलब बन रहे थे 75 किलो वीट के, कितने बन रहे थे 75 रुपीस बन रहे थे, तो उसको 75 रुपीस देने पड़े। Who do you think was clever, the merchant or the farmer? दोनों में से कौन clever था, merchant के farmer? कौन था clever? Farmer ज़्यादा clever था दोनों में से। Now true false, क्या करना है? Write true false. The merchant cast doubt on the farmer's story. Merchant को farmer की story पर शक हुआ, merchant को व्यापारी को नहीं। The merchant held his tongue. मर्चेंट ने अपने आप को मतलब जो रोका हुआ था कि बोलना नहीं है। यस ट्रू। द फार्मर हैड ए वीक हॉर्स विदाउट ए सैडल, जो फार्मर के पास मतलब बहुत कमज़ोर घोड़ा था उसके बिना काठी के, गलत। द ग्रेन स्प्राउट ऑन द हॉर्स बैक, जो दाने थे ग्रेन थे गेहूं था वो हॉर्स की बैक पे उसकी जो नई पत्तियाँ आ गई मतलब स्प्राउट हो गया। हाँ द मर्चेंट गेव हिम ए 100 रुपीज, मर्चेंट ने उसको 100 रुपीज दिए नहीं 75 दिए, तो क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा। द फार्मर स्टोरी फेल टू इम्प्रेस द मर्चेंट, कहते जो फार्मर की स्टोरी थी वो मतलब मर्चेंट को इम्प्रेस करने में फेल हो गई। हाँ तो क्या आ जाएगा ट्रू।